हम खिलाते हैं सरदार दूसरे सैयदा सैयदा ये ताम खिला रहे थे। रब फरमाता है कि मेरी मखलूक में जो मिस्कीन आया उसको भी ताम इन्होंने खिलाया, जो यतीम आया उसको भी ताम इन्होंने खिलाया, जो कैदी आया उसको भी ताम ये खिलाते हैं। और किस पे आला हुब्बी ही मेरी मोहब्बत में खिलाते हैं, उनकी मोहब्बत की मैं रब गवाही देता हूँ कि वो मेरी रजा के खातिर। तो इस पे महबूब सुभानी गौसे समदानी शहजादा सैयदा कायनात सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर जीलानी में फरमाते हैं इस आयत की तफसीर करते हुए कि वो जो रिज्क में रब ने फरमाया युतइमुन तआम, ये जो ताम खिलाते हैं, ये जो हर जो मिस्कीन आया और वो तीनों मिस्कीन आया, वो जो यतीम आया और वो जो असीर आया कैदी, तो ताम जो खिलाती हैं सैयदा और बनाती सैयदा हैं, खिलाते अली हैं। तो महबूब सुभानी फरमाते हैं उवर रिज्क अर रिज्क सूरी वल मानवी, वो हकीकी रिज्क भी है और वो रूहानी रिज्क भी है जो हुजूर अलैहिस्सलाम इस पूरी उम्मत में रिज्क रूहानी बांट रहे हैं। हुजूर की फ्यूजात की असरार की रुमूज की महबूब सुभानी फरमाते हैं रिज्क वो पकाती सैयदाएं, खिलाते उम्मत के सब फकीरों को, फुकरा को, मसाकीन को, और वो जो इस कैद से छूटना चाहते हैं, उन कैदियों को जो रिहाई चाहते हैं उनको खिलाते मौला अली हैं, पकाती सैयदा। तो यहाँ पर कलंदर शहबाज का एक शेर है जो उन्होंने सैयदा कायनात की शान में फरमाया है। वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदतुन निसा, हजरत सैयदतुन निसा फातिमा जहरा सैयदा, आइज याफ्तो इस्मतो तक्वा हजरत फातिमा जहरा सैयदा। आप फरमाते हैं कि हस्त मासूम उब नज़दे खुदा हजरत सैयदा फातिमा सैयदा जहरा। और आखिरी बात फरमाते हैं, ये तो आप सब समझ ही गए, लेकिन आखिरी में कलंदर शहबाज फरमाते हैं सैयदा कायनात के दुश्मनों के लिए। आप कलंदर शहबाज करते हैं फरमाते हैं कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र पर मज़ार पर रहमतें हों, कहते हैं मी कुनम लानत, मी कुनम लानत, मी कुनम लानत बर दुश्मनाने उरा, कहते हैं कि जो सैयदा का दुश्मन है मेरे मुझ कलंदर की अजल से उस पर ही लानत है। तो अल्लाह तबारक व तआला और शाह नेमतुल्ला वली आज से 800 साल पहले उन्होंने आज तक की पेशनगोईयां की हैं। वो अपने दीवान में कहते हैं कि हराम दरख्ती के मेवाए हुब्बे अली न दारन, और वो दरख्त जो भी तुम दुनिया में जाओ दरख्त देखो जिस दरख्त में हुब्बे अली का मेवा नहीं हो उस दरख्त को भी काट लो। यानी जिस इंसान में कदो कामत से तो चल रहा है, दीनो इस्लाम तो दिखा रहा है, लेकिन उसमें फल नहीं है हुब्बे अहले बैत का, अदब नहीं है महबूब के सहाबा और मवद्दत नहीं है महबूब के बच्चों की, जो उस दरख्त को काट दो वो इंसान किसी का, उसकी सोहबत को छोड़ दो, उसकी सोहबत को छोड़ दो। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत महबूब के बच्चों महबूब के सहाबों महबूब के औलिया उम्मत की मोहब्बत और उनके साथ नस्बत अदब नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल्लाह।